प्यार हम जाए शौच के लिए संध्या हो। वो मानसिक पीड़ा को किसी देश का प्रधानमंत्री जी ने समझा तो नरेंद्र मोदी, और हर गरीब के घर में शौचालय बनाने का काम पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। उसी तरह हमारी बहनें स्वावलंबी हो, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो, सखी मंडल के माध्यम से हम लोग ने अभी तक 24 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से अपने पैर पर खड़ा होने का काम इन 4 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने काम की। उसी तरह नौजवान जो हमारी राज्य की शक्ति है, अगर झारखंड का ग्रोथ बनाना तो ये जो हमारी युवा शक्ति से सबसे बड़ा मानव संसाधन है, अगर झारखंड के ग्रोथ को बढ़ाने में हमारे युवा शक्ति मानव संसाधन के पास कोई योजना नहीं थी, देश की आजादी के 67 वर्ष बाद पहला प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की करोड़ों नौजवान नई युवती की भविष्य की चिंता की और स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय बनाकर पढ़े लिखे नौजवान या गांव में रहने वाला गरीब नौजवान नई युवतियां भले गरीबी के कारण कॉलेज की शिक्षा नहीं देख पाए, लेकिन भगवान ने उसके अंदर भी क्षमता दी है और उस क्षमता का उसके हाथ में हुनर देकर हम उसे रोजगार और स्वरोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अभी एक सप्ताह के अंदर देखें आप, दुनिया का झारखंड पहला देश है जहां 1,05,000 नौजवान नवयुवतियों को 8,000 से लेकर 11 लाख तक के पेमेंट पे हमारी सरकार ने नियुक्ति देने का काम। किसी देश दुनिया के किसी देश में इतने बड़े पैमाने पर 1,05,000 को निवेशकों से समन्वय स्थापित कर रोजगार देना और इस तरह हमारे झारखंड के बच्चे बच्चियां अपनी प्रतिभा के बल पर दुनिया में झारखंड का मान और स्वाभिमान। इस दृष्टिकोण से जो हमारे प्रधानमंत्री जी गांव गरीब किसान महिला नौजवान और जो हमारा आदिवासी दलित शोषित पीड़ित जिस स्वामी विवेकानंद जी की बात अभी हम कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद जी का भी यही सपना था कि जब तक ये जो भारत में करोड़ों गरीब शोषित दलित पीड़ित की जीवन में बदलाव नहीं आएगा, भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। और स्वामी विवेकानंद का नाम का बचपन का नाम भी नरेंद्र था, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नाम नरेंद्र। और जो गरीबी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी स्टेशन में चाय बेचकर उसकी गरीब मां दूसरे के घर में झाड़ू पोछा कर नरेंद्र मोदी को पालन कर आज एक गरीब भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता, ये हमारी लोकतंत्र की विशेषता जिसमें पूरे देश की जनता ने उनको मत देकर एक गरीब भी का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री, और गरीबी जिसने देखा है जिसने जिया है जिसने गरीबी की दर्द को समझता। और इसीलिए 4 वर्षों में देखिए हर योजना गरीब से संबंधित, चाहे वो जनधन योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, नौजवानों के लिए हो, सब गरीब के जीवन में बदलाव लाए। लेकिन आज ये 67 साल को देश को लूटने वाला ये लुटेरा पार्टी, ये झारखंड जो नामधारी पार्टी जो हमारे आदिवासियों को 67 साल से टक रहे नेताओं के की आर्थिक आमदनी जरूर बढ़ी, लेकिन हमारा आज गरीब आदिवासी आज भी भगवान भरोसे जी रहे, वैसे लोग के जीवन में बदलाव लाने का काम आज मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश में। अब ये चोर लोग को, ये लुटेरा लोग को, ये कमीशन खाने वाले लोग को, ये भ्रष्टाचारी लोग को अब देश के तिजोरी में किसी पंजा का हाथ नहीं पड़ रहा, तो आज सारे लोग एक होकर
एक ही नारा दे रहा है, मोदी हटाओ, बीजेपी हटाओ। इसलिए हटाओ कि मोदी जी एक चौकीदार रहते हुए कांग्रेस पार्टी लुटेरा को लूटने नहीं, कमीशन खाने की इजाजत नहीं दे। इसलिए आप सभी जनता से मेरा अनुरोध होगा, आप अपने विवेक का जरूर प्रयोग करिएगा, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। ये चोर लोग सब ठग बंधन बना रहे हैं फिर जनता को ठगने के लिए, ये भ्रष्ट लोग फिर जनता को ठगने के लिए ठग बंधन बना रहे हैं। इसलिए सभी भाई बहनों से अपील है, 2014 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह मोदी जी के नेतृत्व में आपने एक बहुमत की सरकार दी, और बहुमत की सरकार के कारण ही देश में आज बदलाव होगा। आज मोदी जी वैश्विक नेता हो गए, अब विश्व में भारत की कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ये श्रेय भी मोदी जी। इसलिए विदेशी शक्ति भी लगी हुई है, देश के लोग भी लगे हुए, पार्टी के लोग, कि किस तरह देश को कमजोर कर रहे, क्योंकि विदेशी चाहता है भारत कमजोर हो। लेकिन आपने देखा, आपके आशीर्वाद से मोदी जी, चाहे चीन का डोकला वाली घटना हो, चाइनीज को पीछे हटना पड़ा, चाहे पाकिस्तान में घुस कर जाकर मारना, ये मोदी जैसा नेतृत्व ही देश में कर सकते। इसलिए देश के लिए मोदी जी बहुत जरूरी, गरीब के जीवन में बदलाव लाने के लिए